अनफॉर्चुनेट बात यह है कि रॉयल इनफील्ड ने इसको इंडिया में मार्केट करना बंद कर दिया है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब भी मैं राइड करता हूँ कि वो चप्पलों में चला रहे हैं, सैंडल पहन के चला रहे हैं। आज का वेदर बहुत अच्छा है और कल मेरा प्लान था बाहर जाने का, कुछ सामान लेना था। मैं बताऊंगा क्या सामान लेना था, बट कल बारिश होने लगी जैसे निकलने का प्लान बना, तो फिर प्रोग्राम को शिफ्ट किया गया आज के लिए। और प्लान ये है कि मुझे राइडिंग बूट लेने हैं जो कि थोड़े से लंबे होते हैं, अप टू शिन लेंथ। मेरे पास एंकल लेंथ के हैं तो, लेकिन हाईवे पे थोड़ा सा जब आप फास्ट राइड करते हैं तो छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो आपको हर्ट कर सकते हैं, तो शिन लेंथ तक के जो बूट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, कई सारे ब्रांड हैं, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वो इंपोर्टेड ब्रांड जो है इंडिया में बहुत महंगे बिकते हैं, अच्छे बूट 30,000-35,000 तक आते हैं, और अगर आप एवरेज लेंगे तो 15,000, मतलब 7-8,000 से शुरू होकर 15,000 तक जाते हैं, बट उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो कुछ साल पहले करीब 2020 और 2021 के अराउंड रॉयल इनफील्ड ने TCX के जो बूट हैं वो अपनी ब्रांडिंग के साथ इंडिया में लॉन्च किए थे। अब आप समझ ही जाएंगे कि जो रॉयल इनफील्ड की जो बाइक्स खरीदते हैं 2.5 लाख और 3.5 लाख के आसपास की रेंज की, वो जेंट्री नॉर्मली, मतलब मुझे आप गलत ना समझें, वो जेंट्री नॉर्मली अपने प्रोडक्ट पे, स्पेशली गेयर पे इतने पैसे नहीं खर्च करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं गलत हो सकता हूँ, अगर किसी को मैं हर्ट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। तो एक्चुअली वो जो TCX का प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता है, बट शूज़ बहुत शानदार थे। तो हुआ ये कि फिर मैंने सोचा ये कि जब बूट लेने तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो कुछ लोग जान पहचान के थे, मैं उनको फ़ोन किया और उनको बोला कि भाई मुझे अगर वो कहीं से मिल जाए TCX के शूज़ 8 नंबर जो मुझे लगता है। तो करीब 10-15 दिन की सर्च हुई और मुझे पता लगा कि गुड़गांव के एक शोरूम में वो अवेलेबल है, तो आज मैं वही लेने जा रहा हूँ। मैंने कंफर्म भी कर लिया, मतलब 21,000 की MRP है शूज़ की, और उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह जरूर होगा, तो मैं देखता हूँ कि वो कितना मुझे नॉर्मली पड़ता है। तो बस ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, रास्ते में आपसे बात करूँगा, और जो भी प्राइस मुझे पड़ती है वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा और शूज़ भी दिखाऊँगा आपको। और ये जो शूज़ हैं ये TCX किसी और नाम से बेचता है उनको, तो जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया में रॉयल इनफील्ड ने कितना अच्छा काम किया था, उस इतने महंगे शूज़ को इंडिया में बहुत ही एक अच्छे प्राइस पर लॉन्च किया था, बट एज यूजल हम इंडियन हमने उसकी कदर नहीं की, तो रॉयल इनफील्ड ने वो शूज़ बनवाने बंद कर दिए। आई एम लकी कि शायद मुझे वो साइज़ मेरा मिल गया है। तो बस अब क्विकली मैं अभी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, ब्रेकफास्ट करता हूँ और निकलता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं राइडिंग शूज़ लेने जा रहा हूँ, और काफ़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ी अपने शूज़ ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं और मैं उतने पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा था। तो वो एनालिसिस मैं आपको जब घर वापस आ जाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या है एनालिसिस, क्यों ये राइडिंग शूज़ की ज़रूरत होती है और ये क्यों ख़रीदने चाहिए और ये आपके सेफ्टी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, वो सारा डिस्कशन मैं करूँगा एक बार घर आ जाऊँ शूज़ ले करके। तो मोटा मोटा ये बता दूँ आपको कि मेरी कुछ पहचान थी रॉयल इनफील्ड में, तो मैंने उनको एक शूज़ मैंने पसंद किए थे, वो कहीं मिल नहीं रहे थे क्योंकि अब रॉयल इनफील्ड ने उनको प्रमोट करना बंद कर दिया है। तो फिर लकली मेरे साइज़ का एक शू मिल गया है और वो गुड़गांव के एक शोरूम में अवेलेबल है जिसका नाम है मंजिल ऑटोमोबाइल, रॉयल इनफील्ड का शोरूम है। तो मैंने बस गूगल पर लगाया हुआ है और दिखा रहा है 1 घंटा 30 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने में, से वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, टोटल मॉडल ही एक है उनके पास। सो फाइनली मैंने शूज़ ले लिए और शूज़ लेके मैं घर वापस आ गया हूँ। अभी बहुत कस के भूख लगी हुई है तो पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद आराम से शाम को मैं आपको शूज़ दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने शूज़ क्यों ख़रीदे हैं और मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शंस थे। तो वो सारा डिस्कशन मैं आपसे शाम में करूँगा एकदम तसल्ली से।
तब तक मैं थोड़ा सा खाना पीना खा लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि गुड़गांव से लेके मेरे घर तक ज़बरदस्त ट्रैफिक था। सैटरडे यूजली होता नहीं है, तो आई एम वेरी टायर्ड एंड वेरी हंग्री, सो जस्ट लेट मी जस्ट सेटल डाउन एंड देन विल डिस्कस। सो हाय एवरीवन, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे अपना एक शू अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने का मतलब है कि ऑलरेडी कोई राइडिंग शू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ ये शूज़ जो कि हैं सोलेस के स्पीड एक्स, जो तकरीबन मुझे कुछ 9 या 9.5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इतने के पड़े थे। शूज़ बहुत अच्छे हैं बट ये शॉर्ट हाइट है, मतलब सिर्फ एंकल लेंथ के हैं, और जैसा आपको पता है कि मैंने रिसेंटली अपनी बाइक अपग्रेड की है, तो पुरानी वाली बाइक भी मैं चलाऊंगा, उसको मैं बेचने का मुझे मेरा कोई प्लान नहीं है, और जो मैंने नई बाइक ली वो है टाइगर 900। अब जो टाइगर 900 आपको पता है कि मैं 300-350 cc से 900 पे अपग्रेड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी बढ़ेगी, मैं नए नए टेरेन जो है वो एक्सप्लोर करूंगा, और जहां पर मैं अपनी पुरानी बाइक नहीं ले जाना चाह रहा था वहां पर इस बाइक को भी लेके जाऊंगा, लंबे लंबे टूर करूंगा, तो आपको राइडिंग गियर भी अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपके पैसे हैं वो सारे के सारे आपको बाइक पर नहीं डालने हैं, एक काफ़ी अच्छा पार्ट जो आपको अपनी सेफ्टी के लिए रखना है। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बाइक पर होते हैं तो टू एंड पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनमें आपको पैसे की कंजूसी नहीं करनी है। पहला आपके फुट, मतलब एंकल और फुट, नी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपोज्ड होता है, और ये देयर इज़ वेरी हाई चांस कि इन दी इवेंट ऑफ एनी मिसहैप इस पे आपको इंजरी हो सकती है। दूसरा आपका हेड है, तो गुड क्वालिटी हेलमेट एंड गुड क्वालिटी शू इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैकेट या राइडिंग पैंट पे इन्वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पर आप स्टिल यू कैन स्टिल गेट अवे विद गुड क्वालिटी नी गार्ड, एल्बो गार्ड, एंड यू कैन स्टिल राइड द बाइक, और जब आपके पास इनफ पैसे हों तो आपको वहाँ भी इन्वेस्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी के हेलमेट पे इन्वेस्ट करना है और अच्छी क्वालिटी के शूज़ पे इन्वेस्ट करना है। अच्छी क्वालिटी का मतलब महंगा नहीं होता है, जस्ट डोंट मिसअंडरस्टैंड माय कम्युनिकेशन, कि अच्छी क्वालिटी का मतलब महंगा नहीं होता है। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि मैंने कौन सा शूज़ खरीदे हैं। तो जो मैंने शूज़ खरीदे हैं वो ये हैं TCX के, जो कि RE इंडिया में मार्केट करती है, और इसका नाम है TCX Stelvio, और मेरा साइज बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि रॉयल इनफील्ड ने इसको इंडिया में मार्केट करना बंद कर दिया है। और मैं शू को क्यों ढूंढ रहा था आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप देखेंगे कि सेम शू ग्लोबली ये TCX बाहा के नाम से आता है, और जब ये रॉयल इनफील्ड इसको इंडिया में मार्केट कर रही थी, तो ये देखिए यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की इसमें बैजिंग भी है, और TCX के सेम शूज़ को रॉयल इनफील्ड ने अपनी बैजिंग के साथ में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और जो कि अगर मैं इसको बाहा के नाम से लूँ, TCX बाहा का सेम, अगर सेम इट जस्ट सेम प्रोडक्ट विद डिफरेंट नेम, तो मुझे वो 30,000-35,000 का पड़ेगा, और रॉयल इनफील्ड ने इसको 21,000 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एज यूजली चूँकि इंडियन कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है तो हम इज्जत तो करेंगे नहीं, तो रॉयल इनफील्ड ने अब इसको बेचना बंद कर दिया है, तो मुझे एक्चुअली सस्ते में पड़ गया। इसमें मुझे करीब 25% का डिस्काउंट मिला, और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 15,750 रुपये का। तो ये शू क्यों इतना इम्पॉर्टेंट, पहली चीज़ तो पूरा का पूरा लेदर है, दूसरा इसका जो टो है वो रीइंफोर्स है, इसमें स्टील नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी इंड्यूरो काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब स्टील टो से थोड़ा स्टडीनेस तो आती है, बट काफ़ी रीइंफोर्स्ड है, काफ़ी स्ट्रांग है, और इसके जो बक्कल्स वगैरह हैं ये एल्युमिनियम के हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल शू है, क्योंकि ये इसको आपको ब्रेक इन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट्स वेरी वेरी इजी टू वेयर। और जब मैंने इसको पहन के ट्राई किया था और थोड़ा सा शोरूम में मैंने चलने की कोशिश की, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई डिस्पाइट इट बीइंग अ ब्रांड न्यू शू। जबकि जब मैंने अपने सोलेस के लिए थे तो इनको ब्रेक इन करने में मुझे थोड़ा सा 2-3 राइड मुझे लग गई थी, बट दीज आर वेरी कंफर्टेबल शू। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी एक रगेड सा लुक है, जो कि आपके हीट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपके इंजन की तरफ होगा, तो ये हीट मैनेजमेंट इधर से बहुत अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप ये देखें तो ये टी ड्राई है, टी ड्राई मतलब ये वाटर प्रूफ है, सो ये तकरीबन यहाँ तक वाटर प्रूफ है, विच इज़ ओके, आई वोंट से इट इज़ ग्रेट, बट दिस इज़ वेरी गुड। अभी चूँकि बारिश हो रही है और मैं ज़्यादा राइड वगैरह इसमें प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होगी, लेट से एंड ऑफ जुलाई और एंड ऑफ अगस्त और मिड सेप्टेम्बर, देन आई विल स्टार्ट
राइडिंग बाइक फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, तो काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाइक खरीदने का प्लान करें या बाइक खरीद चुके हैं उसके बाद भी, प्लीज़ इंश्योर कि आप अच्छे राइडिंग बूट और राइडिंग हेलमेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सके तो अच्छी जैकेट और अच्छी राइडिंग पैंट में भी इन्वेस्ट करें, बट मिनिमम राइडिंग बूट और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट में तो ज़रूर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब भी मैं राइड करता हूँ कि वो चप्पलों में चला रहे हैं, सैंडल पहन के चला रहे हैं, स्पोर्ट्स शू पहन के चला रहे हैं। मुझे लगता है स्पोर्ट्स शू वाले जो हैं वो सैंडल वालों से बेटर हैं। लेकिन मैं एक सजेशन देता हूँ, अगर आपके पास अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या मे बी फाइनेंशियल आपके पास उतनी लिबर्टी नहीं है कि आप थोड़े एक्सपेंसिव शूज़ खरीद सकें, तो कम से कम जो मिलिट्री शूज़ होते हैं जो कैंट एरिया में मिल जाते हैं, जो कि एंकल को कवर कर लेते हैं, वो भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। तो उसमें आप अंदर से क्रेप बैंडेज अपने एंकल पे बांध के यू कैन वियर दो शूज़, तो वो भी काफ़ी हद तक सेफ होते हैं और उनका जो टो होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, उनका एंकल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप राइडिंग शूज़ में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट चप्पल और स्पोर्ट्स शू पहन के बाइक ना चलाएं, कम से कम वो मिलिट्री शू जरूर ले लें। हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि बाइक दो पहियों पे चलती है, ज़रा सा भी डिसबैलेंस होगा तो आपके शरीर का कोई ना कोई पार्ट जरूर ही रोड से टकराएगा और वो बाइक और रोड के बीच में भी आ सकता है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और जब भी बाइक चलाएं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।